बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हो गई। जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे, जैसे ही होटल के अंदर आए, हमारे सब्सक्राइबर्स के फोन आ गए, हम उनसे मिलने आए। देखो बेल बजा रहे गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे जी, सभी को, हमारी सोशल मीडिया फैमिली को राधे राधे। तो जी आज हम जा रहे हैं वृंदावन धाम। मुझे ऑफिस का काम भी था और मैंने कहा चलिए इन सबको भी साथ ले चलते हैं। मम्मी डैडी हमारे नहीं जा रहे हैं, हमने पूछा था मम्मी डैडी से तो मम्मी डैडी कह रहे जी हम नहीं जाएंगे, आप चले जाओ। वो एक ये रीजन भी क्योंकि घर में कोई भी नहीं था, तो उनको बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है घर पे रहना चाहिए, क्योंकि सोनू जी भी नहीं है घर पे, हमारे सोनू भी नहीं है। सोनू भी हमें वृंदावन ही मिलेगा, सोनू है और एक दो ऑफिस के और लड़के हैं वो भी वृंदावन ही है, तो जी हो सकता है उनसे भी आपको मिलवाए। तो चलिए जी अब चलते हैं वृंदावन धाम। तो जी रिद्धि सिद्धि जा रही हैं भगवान जी से आशीर्वाद लेने। भगवान जी हमारी यात्रा मंगल में करना। मम्मी डैडी सुना रहा आप सब खो रहे हैं, मम्मी ने जाना भी थोड़े दिन बाद। हमारी रिद्धि सिद्धि की चल रही है पढ़ाई, घर में तो बोलने से भी नहीं पड़ती है, आज पता नहीं क्या बात हो गई। अपने आप बिहारी जी की कृपा हो गई है, अपने आप ही निकाली उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह निकाली। मैंने फिटर गाड़ी हिल रही है, वो हैंड राइटिंग ठीक नहीं आ रही। नहीं नहीं मम्मा हमने गाड़ी भी अपना होमवर्क खत्म करना है, एक्चुअली ट्यूशन की एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो मैम ने इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे दिया है, तो ये कह रही है अपने ट्यूशन का काम मम्मा हम अभी खत्म कर देंगे, वहाँ पर इंजॉय करेंगे। मैंने बात भी ठीक है। तो जी आज हुआ है कुछ बापा व्लॉग में कुछ अलग साथ, बच्चों ने तो हमें सरप्राइज कर दिया है। तो चलिए जी आगे का व्यू दिखाता हूं, देखो क्या मस्त है, एकदम फॉगी फॉगी। ये देखिए जी एकदम फॉगी फॉगी मौसम है और रोड एकदम स्मूथ है, एकदम स्मूथ, बहुत ही मजा आ रहा है। स्वर्ग के दरवाजों पे जा रहे हैं ना, स्वर्ग के दरवाजे। हाँ तो स्वर्ग के दरवाजे ये वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन तो स्वर्ग ही है यार, एकदम ऑटोमेटिकली मेरे मन में से ये बात निकली, सही बात है वृंदावन जा रहे भगवान जी के धाम। बहुत ही मजा आ रहा है जी, बहुत ही मजा आ रहा है। बोलो वृंदावन धाम की जय, राधे 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 जी। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन, बस यहां से मान के चलो कि 2-4 किलोमीटर रह गया है, और हमने सोचा था कि रास्ते में रुककर कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन रास्ता इतना शानदार था कि गाड़ी रोकने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और क्योंकि दिल्ली से वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं वृंदावन, हार्डली 160 किलोमीटर था हमारे घर से, तो जी बिल्कुल भी पता नहीं लगा रास्ते का, हमें पूरा रास्ते बातें करते आए, इन्जॉय करते आए। वही देख लीजिए हमारी रिद्धि सिद्धि, तो जी यहाँ पे हम लोग रुके हैं ढाबे पर, और क्योंकि यहाँ पे एक रुकने का रीज़न ये भी है कि बच्चों के यहाँ झूले भी हैं, तो हम लोग हमेशा ट्राई ये करते हैं कि बच्चों को उनके झूले मिल जाएँ और जी हमारा भी काम बन जाए। तो गाइस एक बात मैं और बताना चाहूंगी, हम लोग दिल्ली की ठंड सोच के चले थे, पर यहाँ पर दिल्ली वो कह रही हूँ ठंड टू मच है, टू मच ठंड, दिल्ली से जी ज्यादा ठंड है यहाँ पर। और ये देखिए अब करते हैं नाश्ता। ये देखो हमारी रिद्धि सिद्धि जो है वो पहले ही मतलब अपने इनको अपनी राइड चाहिए होती है झूले। ये देखो गीले नहीं है तो बेटा नहीं है तो अच्छी बात है, हाँ बेटा साफ करा गया है, इन्होंने देखा कि रिद्धि सिद्धि आ रही हैं तो जी साफ कर दिया जाए इनको, बिठाना वो पहले बच्चे के साथ बैठने बाहर बैठना, भारी बैठते हैं यार ठंड है तो क्या हो गया, भारी बैठ के मजा आएगा क्यों, बच्चों को
हाँ ये अंदर जाएंगे नहीं, हम अंदर रहेंगे तो गड़बड़ है। क्यों जी? तो जी हमारी रिद्धि सिद्धि तो जी खाने को भूल गई हैं, इनको पहले रास्ते में कह रही पापा भूख लगी है, अब ये झूले देखते भूल गई हैं अपनी भूख प्यास को। क्यों जी? और डॉली हमारी तो है डाइटिंग पर, तो डॉली हमारी कुछ खाएंगी नहीं। खाऊंगी। खाओगे? एक टाइम का स्किप कर दूंगी। अच्छा एक टाइम का स्किप कर दोगे। तो जी बहुत ही अच्छा मौसम है वृंदावन में, बहुत शानदार मौसम है, फॉग है सब जगह, ये देखिए आप कहीं कुछ, मतलब ये मान के चलो कि आपको 300-400 मीटर के बाद दिखाई नहीं देगा, तो फॉग बहुत ज़्यादा है जी। तो चलिए जी अब करते हैं ब्रेकफास्ट और करते हैं वृंदावन। गर्मा गर्म परौंठे। परौंठे खाओगे? मैं नहीं खाने, आप तो खाने। चलिए जी हाँ, मैं तो घर से कह के चला था कि मैं तंदूरी पराठा खाऊंगा। तो जी फ्रेंड्स ये है वृंदावन की पहली कुल्लड़ वाली चाय। कुल्लड़ की चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है, और हमारे मथुरा और वृंदावन में तो कुल्लड़ की चाय बहुत फेमस है, और हमारी रिद्धि सिद्धि को पराठा बहुत ज़्यादा पसंद आया है। बेटा मम्मा को यहीं छोड़ जाते हैं, ठीक है मम्मा पराठे बना बना के खिलाएगी। बच्चे ही जाने। फ्रेंड्स आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मेरी नज़र पड़ गई। आपने अब ढाबों रेस्टोरेंट पे ग्रिल सैंडविच तो सुना होगा, लेकिन आपने कभी ग्रिल वॉशरूम नहीं देखा होगा। ये देखिए वॉशरूम ग्रिल्स, गर्ल्स को इसने कर दिया ग्रिल्स। फ्रेंड्स आज यहाँ पर इलेक्शन है, तो हमें बीच बीच में से होके जाना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ गांव वगैरह में से होके जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेन रोड उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा है। तो जी पता नहीं कहाँ कहाँ से होके जाना पड़ रहा है, पूछते हुए जा रहे हैं। मजा बहुत आ रहा है। मजा आ रहा है, इसी बहाने हमने ना यहाँ के गाँव रिद्धि सिद्धि बहुत खुश हो रही है, क्योंकि हम लोग गाँव में से जा रहे हैं, गाँव के रास्ते। तो रिद्धि सिद्धि कभी देखती काओ को, कभी बकरी को, कभी मुर्गे को, तो पापा मुर्गा बकरी काओ। अब ये शहरी बच्चे हैं, गाँव तो बहुत सारी है। तो जी आज हमने वृंदावन के गाँव भी देख लिए, वृंदावन की गलियां भी देख ली है। एक तरीके से परिक्रमा हो रही है हमारी, एक तरह से परिक्रमा ही हो रही है। अब देखो जी हमें तो पता नहीं चल रहा आगे गाड़ियां जाई जा रही है, हम भी उनके पीछे पीछे जाई जा रहे हैं। वो भी शायद वहीं जा रहे हैं। जी सारे वहीं जा रहे हैं, और क्या जीपीएस लगाया हुआ है, सही पहुंचेंगे। बाकी जो यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली आज आज यूपी में है इलेक्शन, अब इलेक्शन की वजह से यहाँ स्टिकनेस है, तो रोड वगैरह इन्होंने बंद कर दिए हैं। चलो जी कोई नहीं, गाँव भी अच्छे हैं वैसे वृंदावन के हमारे। ये देखिए जी वृंदावन भी कितना हाईटेक हो गया, कितना ही हाईटेक। वाओ चलिए इसी बहाने हमें वृंदावन को देखने का मौका मिल गया। ये तो हमेशा मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं और सीधा अपने घर। सही में बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए, इतना हाईटेक हो गया वृंदावन, कितना आलीशान लग रहा है ना। हाँ यार बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। हम पहुंच गए हैं वृंदावन धाम, तो बोलो वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। तो गाइस अब स्वामी जी हमारे गए हैं होटल लेने, वो देख सकते हैं आप पीछे होटल बना हुआ है, और हम 2 या 3 साल पहले आए थे, हम तब भी इसी होटल में रुके थे। इस होटल में रुकने का रीजन ये है कि सिर्फ और सिर्फ के यहाँ पर जो प्रेम मंदिर जो बिल्कुल इसके सामने बना हुआ है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो जी हमारे स्वामी जी ऑफिशियली वर्क से आए हैं, तो वो तो अपना काम करेंगे, तो मैं बच्चों को यहाँ पर आसपास घुमा लूंगी। तो यहाँ पर हाँ पाकी जारी भी जाने के लिए जी आ गए हमारे स्वामी जी भी। हाँ जी स्वामी जी मिल गया, जाना पड़ेगा। हाँ यही होटल मिल गया। चलो जी बस हम यही कर रहे थे कि आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा, लंबा यू टर्न बहुत, आगे रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने। तो हमारे स्वामी जी ने पट्टे चक दिए, तो मैं कह रही थी बस यही होटल लेना है हमें, क्योंकि बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं बच्चों को यहाँ पर अच्छे से घुमाऊंगी और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से सैर कराने वाली है वृंदावन। तो चलिए जी अब चलते हैं होटल के रूम पॉइंट है, पार्किंग भी इस होटल में ना, क्योंकि यहाँ पार्किंग बहुत दिक्कत। ये जी हमारी रिद्धि सिद्धि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं होटल वगैरह में आके, रिद्धि सिद्धि और उनकी मम्मा। और जी मेरी तो खैर टूर में मैं तो रहता हूँ, तो मैं तो देखता रहता हूँ होटल्स वगैरह। हाँ जी ये हैप्पी
चलो हमारा ऊपर है बेटा रूम, चलो ऊपर 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 चलो, यहाँ से रुको, ए यहाँ से चलो बेटा बेटा, अरे बेटा इधर से चलो, यहाँ से सीधी इधर से आओ, ये देखो यहाँ से भी है बेटा स्टेयर्स, वहाँ क्यों जा रहे हो, चलो 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 चलो। ये देखिए जी रिद्धि सिद्धि आते ही स्टार्ट हो गई है अपनी मस्ती। इन्होंने अपना घर समझ लिया है। असल में रास्ते में थकी नहीं क्योंकि रोड्स वगैरह बहुत अच्छे थे तो बिल्कुल थकान नहीं हुई। और ये देखो इनको जो हाँ इनको जो शौक है ना ये बस रिसेप्शन पे फोन करने का शौक है। अब ये रेस्टोरेंट वालों की जान खा के रखेंगे इस तरीके से फोन कर करके। हाँ मैगी मत खाइयो वरना दो साल जो हुआ था वो ही होएगा। गाइस हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हो गई है, जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे जैसे ही होटल के अंदर आए हमारे सब्सक्राइबर्स के फोन आ गए, हमसे मिलने ये जो हमारे सब्सक्राइबर्स है सब्सक्राइबर हमारे साथ आए हैं, ये देखिए हमें यहाँ मिले हैं, ये देख लीजिए, ये जी हमारे भी कुछ साथी ये सोनू और ये विक्की, ये हमें वृंदावन में मिल गए हैं। इसका नाम है सोनू उर्फ आदित्य, इसका नाम है विक्की उर्फ विक्रम। तो जी हमारे साथी आए हैं ऑफिस के काम से, ये लोग पहले पहुंच गए थे और हम लोग बाद में आए हैं, तो जी अब साथ ही में सब मिलके सारे काम करेंगे, व्लॉगिंग भी करेंगे। अच्छा अब हमारे दो ही एक तरह से हमारा धमाका व्लॉग भी हमारा ऑफिस ही है, तो हम एक तरह से ऑफिशियल ट्रिप पे आए हैं। नाम से ना मुझे एक कहानी याद आ गई, किससे याद आ गया, जब मैं अपनी रिद्धि का एडमिशन कराने गई थी तो रिद्धि का नाम रिद्धि से पहले दक्षिता था जब हमारी सिद्धि नहीं हुई थी, तो जी मैं एडमिशन कराने गई तो मैंने पेरेंट्स का नाम भी पूछते हैं तो जी इसका नाम बताने लगे तो कहते हैं डॉली क्या बेबी का नाम है। मैंने कहा नहीं मैम बेबी का नाम नहीं है डॉली, मेरा नाम है, बेबी का नाम दक्षिता है, तो मेरा नाम भी कुछ ऐसे ही है। तो चलिए जी अब करते हैं मौज, काम का काम और मौज की। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं अब वृंदावन और रेस्ट कर रहे हैं, अब डॉली को और बच्चों को छोड़ के मैं निकल जाता हूँ अपने ऑफिस के काम के लिए। और वैसे भी ये व्लॉग अब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत लंबा व्लॉग हो गया है, अब अगर मैंने इतना लंबा व्लॉग इससे ज़्यादा डाल दे तो आप कहोगे जी बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाते हो आप, देखोगे नहीं, तो जी इसलिए इस व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। आप हमारे साथ बने रहना क्योंकि अब नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको पूरा वृंदावन धाम घुमाएंगे। तो चलिए जी अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।